हेलो चैंपियंस, वेलकम टू मे क्लास। तीसरी जो कंपनी आती है भारत में, उस कंपनी का नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बच्चा लोग? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत आने के क्रम में जो तीसरे नंबर पे कंपनी आती है, उसका नाम क्या है बच्चा लोग? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इससे पहले भी दो कंपनी आई थी। सबसे पहले आई थी पुर्तगाल की कंपनी और सेकंड नंबर पर आई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है पीछे। अब हम लोग जानते हैं कि जब भारत में तीसरे नंबर पर कंपनी आई थी, जिसका नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चलिए इसके बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखो बच्चा लोग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, सबसे पहले एक अंग्रेज व्यक्ति क्या सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति जो 1599 ईस्वी में आए थे, कब 1599 ईस्वी में आए थे, जिनका नाम था मिल्टन हॉक। क्या नाम था? मिल्टन हॉक। इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अब समझते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बारे में। तो देखो बच्चा लोग, हम यहाँ पे मीट हो रहे हैं। देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप समझते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो बच्चा लोग, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इसकी स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय इंग्लैंड की जो शासक थी, क्या इंग्लैंड का जो शासक थी, जिसका नाम था महारानी, क्या महारानी एलिजाबेथ प्रथम, क्या एलिजाबेथ प्रथम, और जो भारत का जो शासक था उसका नाम है अकबर। क्या बच्चा लोग? अकबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा पूछ देता है कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, उस समय इंग्लैंड का जो शासक कौन थी, तो बोलोगे महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, और भारत का शासक कौन था, तो अकबर था। यहां तक हम लोगों ने जाना। चलिए आप आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चा लोग, क्या हुआ ना कि सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसके पास जाती है? महारानी के पास जाती है। किसके पास जाती है? महारानी के पास जाती है। और महारानी से यह मांग करती है कि हमें भारत में व्यापार करना है, तो हमें आप भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दीजिए। क्या? व्यापार करने के लिए अनुमति दे दीजिए। यहां तक क्लियर है? तो क्या हुआ ना कि जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी महारानी एलिजाबेथ के पास जानती है और मांग करती है कि हमें क्या दे दीजिए, व्यापार करने के लिए अनुमति दे दीजिए, तो महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, वह सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का एकाधिकार दे देती है। क्या? 15 वर्षों का एकाधिकार। एकाधिकार कहने का सेंस है बच्चा लोग कि 15 वर्षों तक जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वह व्यापार कर सकती है, 15 वर्ष से पहले उसे कोई भी मतलब बाधा नहीं डालेगा। यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब क्या हुआ ना, अब समझ ले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। देखो, यह जो कंपनी थी ना, यह क्या था? प्राइवेट थी, फुल्ली प्राइवेट कंपनी थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह फुल्ली कैसा थी? प्राइवेट कंपनी थी। और इसमें ना 24 लोगों का शेयर था। क्या? 24 लोगों का शेयर था। शेयर कहने का सेंस है कि विद अ टाइप ऑफ पार्टनरशिप, बोल सकते हो कि 24 लोग इसमें पार्टनर थे। ठीक है, अब इन 24 लोगों के समूह को बोला जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्या बच्चा लोग? BORD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसे बोला जाता था? तो 24 लोगों का जो समूह था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उन्हीं को क्या बोला जाता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता था। यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके जो सबसे पहले गवर्नर थे, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर की बात करें
सबसे पहला गवर्नर किसकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो उसका नाम है थॉमस स्मिथ। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। अब देखो बच्चे लोग, अब क्या होता है कि 1603 ईस्वी में, कब 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की हो जाती है मृत्यु। क्या 1603 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ की हो जाती है मृत्यु। और जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है तो इंग्लैंड का जो दूसरा शासक बन के आते हैं उनका नाम क्या है, राजा जेम्स प्रथम। पूछता है कि महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु के बाद जो इंग्लैंड का दूसरा शासक कौन बन के आते हैं, तो राजा जेम्स प्रथम। यहां तक क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या हुआ था ना कि जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का अधिकार दिया था, उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब राजा जेम्स प्रथम आते हैं तो क्या कर देते हैं ना कि अनलिमिटेड समय के लिए, क्या अनलिमिटेड समय के लिए व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। व्यापार करने की क्या दे देते हैं, अनुमति दे देते हैं। देखो क्या होता है, राजा जेम्स कौन थे, जब महारानी एलिजाबेथ के बाद इंग्लैंड का दूसरा शासक बन के आने वाले थे जिनका नाम था राजा जेम्स प्रथम, और इन्होंने क्या किया कि जिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी एलिजाबेथ ने 15 वर्षों का एकाधिकार दिया था, उसी कंपनी को राजा जेम्स ने क्या किया कि अनलिमिटेड समय के लिए मतलब व्यापार करने के लिए अनुमति दे दी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। यह था, यह जानकारी थी किसके बारे में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। अब समझ लेते हैं ना कि यह जो कंपनी है अब भारत में कैसे आती है, क्या भारत में आने के बारे में समझ लेते हैं कि भारत में कब आती है, कैसे आती है, भारत में आगमन, क्या भारत में आगमन। यहां पर समझो बच्चा, अंग्रेज जो थे वह भारत आए थे सबसे पहले, उस जहाज का नाम है क्या, रेड ड्रैगन। अंग्रेज सबसे पहले जब भारत आए थे तो किस जहाज से आए थे, तो रेड ड्रैगन नामक जहाज से आए थे। यहां तक क्लियर है। अब आगे समझते हैं, जो अंग्रेज जो थे ना अब भारत आए थे 1608 ईस्वी में, कब 1608 ईस्वी में आए थे, और अपना पहला व्यापारिक केंद्र क्या, अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खोलना चाह, क्या व्यापारिक केंद्र कहां, सूरत में खोलना चाह, कब 1608 ईस्वी में, क्या 1608 ईस्वी में। लेकिन उस समय क्या हुआ था, उस समय भारत का शासक जो थे वह जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे। अब देखो क्या होता है यहां पे कि जिस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 ईस्वी में, उस समय भारत का शासक कौन था, तो अकबर था। क्या था, अकबर था। लेकिन इस कंपनी को भारत आने से पहले ही 1605 ईस्वी में ही हो जाती है अकबर की डेथ। क्या हो जाती है, अकबर की डेथ हो जाती है, और जो अगला शासक बन के आती है उस शासक का नाम है जहांगीर। यहां तक क्लियर है। देखो आप समझते हैं, थोड़ा एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि देखो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी 1608 ईस्वी में आई थी, कहां आई थी, भारत में आई थी, और अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में खोलना चाहा, कब बच्चा लोग, तो 1608 ईस्वी में। लेकिन क्या हुआ कि उस समय वहां के जो शासक थे ना भारत के, वह जहांगीर के हाथ में था, जिसके कारण अंग्रेजों को उन्होंने अनुमति नहीं दी, अंग्रेजों को कंपनी खोलने की अनुमति नहीं दी, इसलिए अब क्या हुआ कि यह कंपनी यहीं पे बंद हो गया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो अब समझते कि अंग्रेजों ने क्या, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया, अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र जहां पर स्थापित किया उस जगह का नाम है बच्चा लोग क्या, मसूलीपट्टनम। क्या, मसूलीपट्टनम, इसी को इंग्लिश में मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहां पर स्थापित किया, तो मसूलीपट्टनम में किया, और कब किया बच्चे लोग, तो इन्होंने किया 1611 ईस्वी में। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अंग्रेज सबसे पहले भारत कब आए, 1608 ईस्वी में आते हैं, लेकिन जहांगीर से अनुमति नहीं मिलने के कारण वह जो कंपनी खोलना चाहते थे सूरत में, वह क्या, वह नहीं खोल पाए।
फिर क्या हुआ कि उन्होंने फिर 1611 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, उस जगह का नाम है मसूलीपट्टनम। यहां तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर और चलते हैं। आप समझो यहां पे बच्चों, आप समझते हैं सबसे पहले क्या, सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति क्या, अंग्रेज व्यक्ति जो राजा जेम्स, किसका, राजा जेम्स और क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आता है। पहला अंग्रेज व्यक्ति जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से आता है, क्या इनका राजदूत बनकर, क्या राजदूत बनकर, और कहां आता है, तो यह आता है मुगल दरबार में, क्या मुगल दरबार में आता है, जिसका नाम था बच्चा लोग कैप्टन हॉकिंस। क्या था, कैप्टन क्या हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस, क्या नाम था, कैप्टन हॉकिंस। तो समझो सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति जो राजा जेम्स और क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उनका राजदूत बनके कहां पे आता है, मुगल दरबार में आता है, जिसका नाम क्या, कैप्टन हॉकिंस। और सभी लोगों को पता है कि उस समय वहां का मुगल दरबार में किसका शासक था, वहां का शासक कौन थे, जिसका नाम था जहांगीर। क्या नाम था, जहांगीर। अब क्या हुआ ना कि इस बंदा ने, इस व्यक्ति ने ना जहांगीर से किसमें बात किया, तुर्की में बात किया, किसमें बात किया, तुर्की में बात किया, जिससे क्या हुआ कि जहांगीर ना बहुत इंप्रेस हो गया इसकी बातों से, क्या कोई अंग्रेज आया है और हमसे तुर्की में बात कर रहा है, जिसके वजह से क्या हुआ कि जहांगीर क्या हो गया, इससे इंप्रेस हो गया। अब बदले में इसे ना कुछ भेंट प्रदान कर दिया, जिसमें था 400 का मनसब, क्या 400 का मनसब, 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया, क्या इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया। किसको दे दिया था भाई, तो सबसे पहले जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से मुगल दरबार में जो अंग्रेज व्यक्ति आता है, उसने क्या किया ना कि जहांगीर से क्या किया, तुर्की में बात किया, जिससे जहांगीर हो जाता है यहाँ पे बहुत ही इंप्रेस, और इसने इस व्यक्ति को इंग्लिश खां की उपाधि दे दिया और 400 का मनसब भेंट कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है, तो याद रखोगे आप लोग। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे की कहानी क्या हुई ना, जो कैप्टन हॉकिंस थे ना, इतना में ही काम नहीं चलने वाला था इनका, इतना में ही काम नहीं चलने वाला था इनका। तब क्या हुआ कि इंग्लिश खां की उपाधि तो देखी थी, अब कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से बोला कि देखिए मुझे आपसे एक और, क्या एक और अनुमति चाहिए। तो जहांगीर ने बोला बताइए क्या चाहिए आपको। तो कैप्टन हॉकिंस ने जो कंपनी जो अंग्रेज थे वह सूरत में खोलना चाहते थे 1608 ईस्वी में, लेकिन नहीं खोल पाए थे, जहांगीर से क्या परमिशन नहीं मिल पाई थी। तो उसी कंपनी को खोलने की अनुमति ले लेते हैं कौन, उसी कंपनी को खोलने की अनुमति कैप्टन हॉकिंस जब आते हैं तो जहांगीर से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, जहांगीर से ले लेते हैं। कब ले लेते हैं बच्चा लोग, तो 1513 ईस्वी में। कब ले लिए थे, 1513 ईस्वी में, इसी सॉरी 1513 नहीं 1613 ईस्वी में जो कंपनी 1608 में बंद हो गई थी, उसी कंपनी को खोलने की अनुमति ले लिया था कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से। कब ले लिया था, तो 1613 ईस्वी में। कब ले लिया था, 1613 ईस्वी में, सूरत में, सूरत में। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहां पे याद रखना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां तक तो क्लियर है। 1613 में ले लिया इसने, अनुमति तो ले लिया। अब क्या होता है ना, अब क्या होता है कि 1615 ईस्वी में, कब 1615 ईस्वी में, क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स के तरफ से दूसरा जो, क्या दूसरा राजदूत, क्या राजदूत जो आता है, क्या आता है, उसका नाम था बच्चा लोग थॉमस रो, क्या थॉमस रो। और जब दूसरा राजदूत आया राजा जेम्स की तरफ से भारत में, कब 1615 ईस्वी में, तो इसने क्या किया ना कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ना भारत में कहीं भी खोलने की अनुमति ले ली, क्या कहीं भी खोलने की अनुमति ले ली। तो किसने भाई, थॉमस रो जब आए तो
भारत में कहीं भी खोलने की अनुमति ले ली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, ना कि 1627 ईस्वी में, कब 1627 ईस्वी में हो जाती है जहांगीर की मृत्यु। किसकी मृत्यु? जहांगीर की हो जाती है मृत्यु हो जाती है। और अगला जो शासक बनते हैं ना उसका नाम है औरंगजेब। क्या? औरंगजेब। क्या बच्चे लोग? औरंगजेब। जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? 1627 ईस्वी में। और जहांगीर की मृत्यु के बाद जो अगला शासक बन के आता है उसका नाम था औरंगजेब। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट है हमारा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे औरंगजेब के बारे में। किसके बारे में? औरंगजेब के बारे में, कि औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा, उसकी क्या देन है, ठीक है, अंग्रेजों ने उसको कैसे पराजित किया था। चलिए एक बार अब रिवीजन कर लेते हैं। देखो चलो, सबसे पहले अंग्रेज व्यक्ति जो भारत में आए थे उसका नाम है मिल्टन हॉक है। वह कब आए थे? तो 1599 ईस्वी में आए थे। अब देखो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। और उस समय जो इंग्लैंड की जो शासक थी वह कौन थी? महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और जो भारत का जो शासक था वह कौन था? अकबर था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब इसके पास महारानी के पास जाती है, महारानी एलिजाबेथ के पास जाती है परमिशन लेने के लिए भारत में व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने उसे 15 वर्षों का क्या दे दिया? एकाधिकार दे दिया। लेकिन जब महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है और जो अगला शासक बन के आता है जिसका नाम है बच्चा लोग क्या? राजा जेम्स प्रथम। और उसने उसी एकाधिकार को अनलिमिटेड समय के लिए दे दिया था। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो भारत में कैसे आए थे अंग्रेज। सबसे पहले जो अंग्रेज थे भारत आए थे उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन। और कब आए थे? तो वह 1608 ईस्वी में आए थे और अपना पहला व्यापारिक केंद्र सूरत में स्थापना करना चाहा। लेकिन क्या हुआ कि जहांगीर ने उसे अनुमति नहीं दे दी। फिर क्या होता है कि सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी और राजा जेम्स की तरफ से जो राजदूत बन के आता है मुगल दरबार में उसका नाम है कैप्टन हॉकिंस। और कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया कि जहांगीर से तुर्की में बात किया जिससे वह बहुत ही इंप्रेस हो गया। इसलिए उसने बदले में 400 का मनसा और इंग्लिश खां की उपाधि दे दी। और कैप्टन हॉकिंस ने क्या किया कि जहांगीर से अनुमति ले ली क्या? जो कंपनी 1608 ईस्वी में बंद हुई थी उसी कंपनी को 1613 में खोलने की अनुमति ले ली। यहाँ तक तो क्लियर है? अब क्या होता है कि 1627 ईस्वी में क्या हो जाती है कि जहांगीर की मृत्यु हो जाती है और जो अगला शासक बन के आता है औरंगजेब। तो चलिए अब आगे की क्लास में हम इसी के बारे में समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।